IVM. There's a quick survey to fill out on ivmpodcast.com/survey. It lets us know a little bit more about who's listening to us. And you know what? We're going to do a few prizes. So, I mean, like, we'll do a random drawing of like maybe 10 people and we'll send you all some swag. Remember, that's ivmpodcast.com/survey where you can fill out the survey. IVM के हिंदी ट्रैवल पॉडकास्ट टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आपका स्वागत है। टेढ़े मेढ़े रास्ते ही क्यों? वो इसलिए कि घूमना भी तो ऐसे ही रास्तों की तरह पेचीदा और लगातार उतार चढ़ाव भरा होता है, जहां हर पल कुछ नया देखने और महसूस करने को मिलता रहता है। शर्त बस यही होती है कि आंख कान खुले रहने चाहिए। मैं हूं केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा इस जबरदस्त यात्रा पर और सुनाऊंगा ऐसी मजेदार कहानियां शहरों, किलों, महलों, सड़कों और सबसे अहम इंसानों की, जो पिछले 20 साल से ऐसे ही रास्तों पर भटकते हुए मैंने सिर्फ आपके लिए इकट्ठा की हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय परंपरा में शादी के बाद बेटी की विदाई बड़ा भावुक मौका होता है। बहुत से माँ बाप ये समझ ही नहीं पाते कि वो बेटी की कमी को कैसे पूरा करेंगे। ग्रामीण इलाकों में जहाँ आज भी समाज काफी परंपरागत है, वहाँ तो शादीशुदा बेटी का अक्सर घर आना ही नामुमकिन सा हो जाता है। ऐसे में परंपराओं के बीच रहते हुए उन्हीं की मदद से बेटी की याद को सजोने का एक नायाब तरीका मैंने गढ़वाल के ग्वालदम इलाके में देखा। ग्वालदम उत्तराखंड के चमोली जिले में है और कौसानी से करीब 40 किलोमीटर दूर है। यहाँ काफी हरियाली दिखाई देती है और सेब के कुछ बाग भी हैं। मैं ऐसे समय यहाँ पहुंचा था जब शादियों का मौसम शुरू हो गया था। एक परंपरागत पहाड़ी शादी खत्म ही हुई थी और मैंने देखा कि नया जोड़ा गांव के एक छोर पर जाकर पेड़ लगा रहा है। मुझे लगा, देखो इन दोनों को पर्यावरण से कितना लगाव है, शादी के बाद दोनों पेड़ लगा रहे हैं। फिर पता चला कि ये गांव की परंपरा है। थोड़ा और पूछने पर जो कहानी सामने आई उसे सुनकर तो मैं दंग रह गया। ग्वालदम में एक अध्यापक रहते हैं, कल्याण सिंह रावत। वो काफी समय से ये देख रहे थे कि सरकार जब भी वृक्षारोपण करवाती थी तो लोग पेड़ तो लगाते थे लेकिन उसका ध्यान नहीं रखते थे। इतना पैसा खर्च होता था और उसका नतीजा वैसा नहीं होता था जैसे कि उम्मीद की जाती थी। वो काफी समय तक सोचते रहे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे हर एक पेड़ जिसे लगाया जाए वो न सिर्फ बचे बल्कि फले फूले। कई दिन तक वे अपनी सोच में गुम रहे और एक दिन उन्हें इसका जवाब सामने दिखाई दे गया। उन्होंने देखा कि लड़की की शादी के बाद उसके घरवाले उसकी कमी को लगातार महसूस करते हैं और उन्हें यह चिंता भी सताती है कि उनकी बेटी ससुराल में खुश है कि नहीं। सो सन 1995 में आखिरकार कल्याण सिंह रावत ने तय किया कि वे कम से कम एक परिवार को मनाएंगे कि जब उनकी लड़की विदा हो रही हो तो घर की कुंवारी लड़कियां जीजा की जूता छिपाई करके उससे पैसा लेने के बजाय नवविवाहित जोड़े से कहें कि वे अपने नाम का एक पेड़ गांव की खाली जमीन पर लगाए और जूता छिपाई का जो पैसा मिले वो लड़कियों को पेड़ लगाने और उसकी देखभाल करने के लिए दे दिया जाए। पहले परिवार को समझाने में उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी लेकिन उसके बाद ये बात आसपास के लोगों को पसंद आ गई और धीरे धीरे लड़की की विदा के समय उसके नाम का पेड़ लगाने की परंपरा शुरू हो गई। हर पेड़ की देखभाल गांव की युवा अविवाहिता लड़कियां कर रही थीं। देखभाल का पैसा जीजा देकर जाने ही लगे थे। इसे कल्याण सिंह रावत ने मैती प्रथा का नाम दिया। मैती गढ़वाली में मायके को कहते हैं। कुछ दिनों बाद यह तय पाया गया कि लड़की से जो पेड़ लगवाया जाए वो कोई फलदार पेड़ ही हो। न जाने कब यह मान्यता भी गांव वालों के बीच प्रचलित हो गई कि अगर पेड़ फल फूल रहा है तो उनकी बेटी भी ससुराल में खुशहाल है। इसने गांव में हर इंसान को प्रेरित किया कि वो गांव में लड़कियों द्वारा लगाए गए सभी पेड़ों को हमेशा बचाकर रखें।
अब हाल ये हो गया कि उन पेड़ों को काटना तो दूर, उनसे एक पत्ती तोड़ना भी किसी के लिए मुश्किल हो गया। कल्याण सिंह की पहल एक गांव तक ही सीमित नहीं रही। कहते हैं कि अच्छी बात जंगल की आग की तरह फैलती है, फैलाने वाला चाहिए। कुछ साल के अंदर पूरे चमोली जिले में और आसपास 3000 गांवों में यह प्रथा फैल चुकी थी। अब तो शादी के कार्ड पर मेहंदी समारोह और उसका समय छपने लगा है, और उसमें मौजूद होना उतना ही जरूरी होता है जितना बारात में अगवानी में। कल्याण सिंह रावत का कहना था कि उन्हें इस बात से मतलब नहीं था कि कितने पेड़ लग रहे हैं, वे ये चाहते थे कि जितने पौधे लगें वो पेड़ बनने तक जिंदा रहें, और उनकी तरकीब काम कर गई। आज बिना एक सरकारी पैसे के हजारों पेड़ लग चुके हैं, और उनकी देखभाल भी बिना किसी सरकारी पैसे के लोगों की मदद से हो रही है। पिछले 25 साल में मैती की परंपरा में और विस्तार हुआ है। अब किसी भी बड़े काम में या किसी त्योहार पर या राष्ट्रीय महत्व के किसी भी दिन इसका आयोजन होता है, और इसमें सब लोग भाग लेते हैं। पर इसका सारा इंतजाम और पैसे सहित हर पौधे को पेड़ बनाने की जिम्मेदारी गांव की लड़कियों पर होती है। कारगिल युद्ध के बाद यहां 1000 पौधे लगाए गए, और इन्हीं लड़कियों की मेहनत के कारण अगर आज आप चमोली जाएं तो आपको शौर्य वन दिखाई देगा। मैती की कहानी सुनकर और उसका चमत्कार देखकर ऐसा लगा जैसे सारी यात्रा सफल हो गई। कल्याण सिंह रावत जी से बात करिए तो वो बड़ी विनम्रता से कहते हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह काम इतना बड़ा हो जाएगा। ग्वालदम से लौटते हुए मैं कल्याण सिंह रावत के बारे में ही सोचता रहा, और मुझे वो शेर याद आया, मैं अकेले ही चला था जानेबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो आज टेढ़े मेढ़े रास्तों का सफर इसी मील के पत्थर पर खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर किस्सों के एक नए मोड़ पर मिलेंगे, और वहां से नए मील के पत्थर तक साथ चलेंगे। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Advertising is Dead, Varun speaks with Shashank Mehta, founder and CEO of The Whole Truth Foods. He shares his own journey of moving from eating mostly junk food to starting an enterprise that produces health foods with clean ingredients. The Simplified hosts explore the fascinating topic of mimetic theory and entrepreneur Peter Thiel's interpretations of how anthropologist Rene Girard speaks about it. On Puliyabazi, Pranay and Saurabh analyze how organic farming has affected Sri Lanka. Marathi Kirkithun has a fascinating episode where the Deshmukhs met decode one of India's most celebrated poems. And on Say No to Drama, Chetna unfolds some truths about getting a promotion and the drama around it. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Also, don't forget to rate us on any of the platforms you might be listening to us on. And do check us out on YouTube. We're building a whole bunch of different channels. You can find them on ivmpodcast.com/YouTube. And we're also doing a small listener survey, which we would really appreciate your help with. It helps us kind of talk to advertisers. So you could go to ivmpodcast.com/survey. It'll just take a couple of minutes and it would be really helpful to us. We do appreciate this. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, SBI Life Insurance and the India Water Portal. Thank you so much for making this possible. जिस तरीके से हमारे माँ बाप ने अपने करियर की सीढ़ियाँ चढ़ी थी, वैसे आज के जमाने में तो पॉसिबल है ही नहीं गुरु, क्योंकि हमारा जमाना इतना कॉम्प्लिकेटेड है। आज क्या नहीं है, कंपटीशन है, सोशल मीडिया है, इतना इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है कि करियर का टेंशन ज्यादा होता है, उस पर काम कम। टेंशन लेने से कोई फायदा तो है नहीं, क्या करते हैं, ठंडे दिमाग से सुनते हैं प्रोबेशन से प्रमोशन तक पॉडकास्ट को हर सोमवार, जहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिकल बातें होती हैं आपके करियर की। और कौन करता है वो, मैं आपका होस्ट अभिनव त्रिवेदी। ये पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं IVM पॉडकास्ट की वेबसाइट, ऐप या फिर किसी भी अन्य पॉडकास्ट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर।